हेलो गाइस, हाउ आर यू? ओके, सो आज मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी लॉकर के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोग कहीं पर भी होटल बुक करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, जैसे कि अब्रॉड जाते हैं, कहीं पर भी हो होटल में जो आपको सेफ्टी लॉकर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसा कुछ भी हो, पैसे हो ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, जो कि आप सेफ नहीं समझते अपने साथ लेके जाने के लिए, तो आप जो है आप सेफ्टी लॉकर्स के आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेफ्टी लॉकर्स कैसे काम करते हैं। ओके, देखिए ये सेफ्टी लॉकर हैं। सो यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हमें जो है 3 से 6 डिजिट्स के अंदर जो है कोड लगाने होंगे यहाँ पर, तो ये अब ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करता है तो आपको जो है अपना रिसेप्शन में कॉल करके उनको बताना है कि सेफ्टी लॉकर वर्क नहीं कर रहा है, इसको स्टैंड बाय में कीजिए, तो वो आकर कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था उनको, तो उन्होंने जो है अब ठीक कर दिया है। तो जैसे कि मैंने पासवर्ड ऑलरेडी डाल रखा है 3546, ये ओपन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अंदर ना कुछ रख रखा है, बस ऐसे ही खाली रख रखा है मैंने आपको दिखाने के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो मुझे जो है अब न्यू पासवर्ड जो है लगाना होगा। तो मैं जैसे ही लगा देता हूँ 1234 एंड हैश, ये हो गया मेरा क्लोज, ये लॉक हो गया। अब कुछ भी और अदर पासवर्ड लगाओ, खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, कुछ भी आप दबाओगे खुलेगा नहीं, अब लेगा ही नहीं है, खुलेगा ही नहीं। यहाँ पे 3 से 6 डिजिट के अंदर ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं खुलेगा, होल्ड हो गया। अब यहाँ पे जो है होल्ड बता रहा है, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको रुकना पड़ेगा, और क्योंकि आपने बार बार जो है गलत दबा दिया आपने, अब नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसे जैसे कि कुछ भी आपको करना है तो आप यहाँ पे लॉक लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख के, अब कैसे भी जो है अपना पूरा डॉक्यूमेंट रख के आप लॉक लगा के अब देख सकते हो। अब मैं एक बार दूसरा दोबारा ट्राई करता हूँ, अभी भी होल्ड ही कह रहा है। 5 मिनट्स के लिए मेरे ख्याल से होल्ड हो गया है, 5 मिनट्स के लिए होल्ड हो गया है, 5 मिनट तक कुछ नहीं कर सकता मैं, अब लॉक हो गया उसके अंदर। 1234 जो है मेरा पासवर्ड था, मैं 5 मिनट बाद जो है मैं ट्राई करूँगा। 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद मुझे ट्राई करना है, 5 मिनट के बाद मैं ट्राई करता हूँ। 1234 में लगा देता हूँ, जैसे कि वो ओपन हो जाएगा। तो पासवर्ड ऐसे लगाना जो आप याद रख सको अपने से, ज़्यादातर जो है याद हमें पिन रहता है, जैसे कि एटीएम का पिन पासवर्ड जो है 4 डिजिट के होते हैं, तो वो हमें याद रह जाता है। तो आप एटीएम की पिन लगा सकते हो, या फिर ऐसा पिन जो कि आपको याद रहे, और रैंडमली A1234 सेलेक्ट मत करना, क्योंकि 1234 सब सेलेक्ट करके देखेंगे कि रैंडमली जो है 1234 ही होता है हर किसी का पासवर्ड। हाँ, बस इसका याद रखना।